जी सर, अगर मैं तेलुगु में पढ़ाऊं, मेरा सबक तेलुगु में लूं, तो आप क्लास में रहेंगी? नो सर, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक दिल नहीं लगेगा। जी, बहुत सही कहा आपने। अल्लाह आपको आपके इल्म में मजीद इजाफा करे। बहुत सही कहा आपने। देखा आपने, अगर मैं तेलुगु नहीं बोल रहा हूँ, परेशान मत होइए, आप लोग मत जाइए क्लास से, लेकिन अगर मैं तेलुगु बोला तो आप लोग चले जाएंगे। आप लोग बोलेंगे, यार ये तो पैसा तो हमने वेस्ट कर दिया। आप बोलेंगे, ठीक है भाई, दाढ़ी नजर आ रही है, टोपी नजर आ रही है, और कुरान कुछ लिखा हुआ है सामने, तो प्रोग्राम तो इस्लाम का चल रहा है, लेकिन आप बोलेंगे कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। जी, हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो नमाज का भी ऐसे ही है, जब नमाज समझ में नहीं आती है तो हमारा दिमाग जो है निकल के हमारे बॉडी में से कहीं बाहर चला जाता है, ठीक है ना जी? तो इसीलिए इसीलिए बेइंतहा जरूरी है कि आप जो है नमाज की जबान यानी कि उर्दू जो है उसको आप पढ़ें और उसको जो है आप समझें, तभी आपका पूरा ध्यान रहेगा इंशाल्लाह बिदिल्ला, आपका ईमान भी मजबूत हो और कुरान को जिंदगी में कैसे लाएं, ये सारी बातें हैं। इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात यानी यूनिक फीचर्स, कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इंग्लिश में बात करते हैं। इम्तियाजी खसूसियात का मतलब होता है यूनिक फीचर्स। एक इसका यूनिक फीचर ये है, देखिए हम जो है खुश्क ग्रामर यानी कि ड्राई ग्रामर से शुरू नहीं करते। जैसे लिखा है कि हादा बैतुन कबीरुन, अब ये जो अरबी सिखाने की जो किताब है उसमें लिखा होता है हादा बैतुन कबीरुन। अब सवाल ये है, आप ये जुमला कब इस्तेमाल करेंगे, हादा बैतुन कबीरुन, ये बड़ा घर है, पता नहीं कब इस्तेमाल करेंगे। लोग 1 2 3 4 सिखाते हैं, वाहिद इतने इतला अरबा खामसा सित्ता, हाँ संडे मंडे सिखाते हैं, यौमुस सब्त यौमुल अहद यौमुस सुलुस यौमुर रुबू यौमुल खमीस, हाँ फ्रूट्स के नाम सिखाते हैं, एप्पल को तुफाह कहते हैं, संतरे को बुर्तुकाल कहते हैं जी, स्ट्रॉबेरी को फरावला कहते हैं, तो ये सब पढ़ाएंगे तो कुरान कब समझ में आएगा? देखिए क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे, 1 घंटे 2 घंटे में अजान होगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अजान होगी, नमाज पढ़ेंगे, सूरत अल फातिहा आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, तो हम आपको सूरत अल फातिहा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो रोजाना जो है 25 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल होता है सूरत अल फातिहा मुख्तलिफ नमाज, उससे शुरू करिए ताकि आपको भरपूर फायदा हो, पूरी नमाजें आपको समझ में आए। हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़ा जवान यहां तक के बच्चों के लिए भी मुनासिब है, सूरत अल फातिहा से वो शुरू होता है सुभान अल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं अभी, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, ठीक है ना, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम से हम शुरू कर रहे हैं। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। एक सवाल है आपका, आपके लिए, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल टू लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान को सीखने के लिए बुनियादी कुछ चीजें हैं वो क्या है? ऑप्शन ए में लेटर्स, ऑप्शन बी में है स्पेलिंग, ऑप्शन सी में वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ऑप्शन डी में है प्रोनाउंसिएशन। पोल को लॉन्च कर रहा हूं, पोल में जवाब दीजिए। जी जूम में अभी भी तकरीबन 125 लोग आ सकते हैं, आप जूम पे आएंगे तो डायरेक्ट आप पोल को भी अटेंड कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा होता है जूम की क्लास में। जी माशाल्लाह 263 लोगों ने जवाब दिया है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। लोग हैं हमारे पास, 375 लोग हैं, 278 लोगों ने जवाब दिया है। चलिए मैं स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1, माशाल्लाह काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह आपको मिलता है ये स्टार, माशाल्लाह बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है माशाल्लाह। मैं रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर, जी माशाल्लाह 210 लोगों ने सही जवाब दिया वोकैबुलरी एंड ग्रामर।
वोकैबुलरी का मतलब होता है अल्फाज माने और ग्रामर का मतलब होता है कवाइद, ठीक है ना। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जबान को सीखने के लिए और समझने के लिए, ठीक है ना। ओके, ये आगे था जूम के लिंक का स्लाइड, मैंने उसको आगे जाके बताया था आपको। आप देख सकते हैं लिखा है परमानेंट जूम लिंक फॉर डेली सेशंस। देखिए वलकद यस्सन कुराना, अल्लाह ने कहा हमने कुरान को आसान किया है, हम आपको बार बार डिफरेंट लिंक से परेशान नहीं करना चाहते हैं, ये हमारी परमानेंट लिंक है, डेली इसी लिंक से क्लास हुआ करेगी। जैसे दानिश साहब ने बताया था, मैं पहले के सेशन में उनका एक जुमला याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जैसे कि क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं लेकिन फर्स्ट बेंच पे सिर्फ 6 से 8 बच्चे बैठ सकते हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि भाई जो पहले आता है वो पहली बेंच पे बैठता है, जो बाद में आता है तो पीछे की बेंच पे बैठता है, ठीक है ना। आपको उनकी मिसाल याद है, तो जूम का भी मामला ऐसे ही है जी। तो इसमें 500 लोग आ सकते हैं हमारे जूम की क्लास में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिस तरह का उसूल है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 500 की लिमिट हो जाएगी, तो माशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जूम पर भी, आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। 500 की लिमिट हमारी जूम की है, ये लिंक को आप सेव कर लीजिए, ये डेली परमानेंट सेशंस होंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह, बार बार लिंक चेंज नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اعوذ का मतलब है मैं पनाह में आता हूं, ठीक है ना। औदू का मतलब है मैं पनाह में आता हूं, यानी अल्लाह की हिफाजत में आता हूं। औदू मैं पनाह में आता हूं, अल्लाह की हिफाजत में आता हूं। 7 बार ये लफ्ज, ये वर्ड जो है कुरान मजीद दोहराया गया है। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत में आने का मफहूम है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस बात को महसूस करिए आप, दुनिया का भी उसूल है ना, सेफ्टी फर्स्ट। आज आप देखते हैं घर के बाहर जाते हैं तो हेलमेट आप पहनते हैं, फेस मास्क आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेफ्टी फर्स्ट है। तो अल्लाह ने कहा है कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इदा क़रातल कुरान फस्तईद बिल्लाह, जब आप कुरान पढ़े तो फस्तईद बिल्लाह, आप जो है अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाए, ये अल्लाह ताला ने ही कुरान में कहा है। इसीलिए जब कभी आप कुरान पढ़ते हैं तो पहले आपको अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना